हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पल्सर 150 BS3। तो आज इसका मैश कवर चेंज करने वाला हूँ मैं, ये वाला जाली वाला। ये 10 रुपीज़ का मिलता है और इसका मॉडल नंबर भी दिखा दूंगा अभी आपको। और अभी इसका ये वाला वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्द। चलिए मैं आपको मैश कवर दिखा देता हूँ। ये है वो मैश कवर जो मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये नियॉन एडिशन का नहीं है, ये ब्लैक ही था। मैंने इसको फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर कर दिया है। जैसे आपको आपको जो कलर पसंद है वो आप कर सकते हो, तो मैंने इसको फ्लोरेसेंट कर दिया है, फ्लोरेसेंट ऑरेंज। और आपको पहले बेस कोट वाइट कलर का करना पड़ेगा, तभी एक कलर एकदम बढ़िया ब्राइट अप दिखेगा। तो चलिए अभी इसमें लगा देते हैं। तो आपको पहले साइड पैनल ओपन करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। साइड पैनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की डाल के इसको हल्का सा आगे खींचना पड़ेगा और इसको ऐसा आगे करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। तो ये है पीछे का नज़ारा। और ये आपको 3 स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे और इसका मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। ये आप कैसा खरीद सकते हैं, DK161123 ये लेफ्ट हैंड का है, और DK161124 ये राइट साइड का रहेगा। तो ये 3 स्क्रू ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया और आपको एक 4 हेड वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा, फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, ये ऐसा वाला 4 हेड वाला। तो मैंने ओपन कर दिया और ये अभी फिक्स कर देता हूँ लेफ्ट साइड का। आपको फिर से एक बार मॉडल नंबर बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर DK161123, लेफ्ट हैंड का ये। तो ये लगा लेता हूँ मैं अभी, ये ऐसा लगेगा, इसमें फिक्स हो गया एकदम। और यहाँ पे 3 स्क्रू टाइट कर लेता हूँ, फिर दोनों साइड का कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। ये मैंने फिट कर दिया है। और एक बात का ध्यान रखना आप कि यहाँ पे 4 हेड स्क्रू ड्राइवर, इसको ज़्यादा टाइट मत करना क्योंकि प्लास्टिक पार्ट है तो क्रैक हो सकता है, एकदम हल्का टाइट करना है। तो ये लगा दिया मैंने, अभी सेकेंड साइड का भी लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लुक आ रहा है गाड़ी का। तो इसको एक बात का वही ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा टाइट मत करना है, नहीं तो ये क्रैक हो जाएगा प्लास्टिक के नीचे। तो ठीक है, अभी लगा देता हूँ दूसरे साइड का। दोनों कवर दिखा देता हूँ आपको कैसे दिख रहे हैं। ये पहले नॉर्मल था ब्लैक, ये अभी हल्का सा वाइट हो चुका है। गाड़ी अपन वॉश करते हैं ना, तो ये प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक ये डैशबोर्ड पार्ट वाइट होने लगता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक फ्लूड गिर गया था, यहाँ पे जो सामने का डिस्क ब्रेक है उसका फ्लूड गिर गया था, तो यहाँ पे ऐसा हो गया है। ये तो देखिए, पहले ऐसा वाइट था, अभी मैंने इसको चेंज करके देखिए कितना कूल दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है। और ये फ्लोरेसेंट ऑरेंज है, ये शेड में ये थोड़ा सा ऑरेंज दिखेगा आपको, शेड में ऑरेंज दिखेगा, और जैसे इसके ऊपर सनलाइट होगा तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा चमकेगा। दूर से भी लुक दिखा देता हूँ आपको, ये पहले ब्लैक था, ये अभी फ्लोरेसेंट ऑरेंज हो चुका है, बढ़िया दिख रहा है एकदम। और आप नियॉन एडिशन का भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके नियरेस्ट बजाज पल्सर शोरूम में अवेलेबल हो तो। मेरी इधर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको फ्लोरेसेंट ऑरेंज पेंट कर दिया है। अभी ये राइट साइड का भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ गाड़ी का लुक। ये देखिए, अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तो अभी ये साइड लुक देखिए, पहले नॉर्मल था, अभी लुक इन्हेंस हो गया। तो आप ये कर सकते हैं लुक इन्हेंस करने के लिए। और वही एक बात का ध्यान रखना है आपको कि प्लास्टिक पार्ट है तो ज़्यादा टाइट मत करना, और इसके लिए टाइम लगेगा तो भी चलेगा, आपको टाइम लगेगा तो भी चलेगा क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट है और इसको एकदम आराम से फिट करना पड़ता है। और ये देखिए बाइक का लुक, मैंने सब इंस्टॉल कर दिया इसमें नियॉन एडिशन के। ये सबका जितना भी वीडियो बना है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी राइट साइड का लुक भी दिखा देता हूँ आपको, ये इसका राइट साइड का लुक। आप यहाँ पे कोई भी पेंट कर सकते हो, एक्रेलिक पेंट भी कर सकते हो। मैंने तो सामने ये फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड पेंट किया हुआ है, आप एक साइड भी कर सकते हो। फ्लोरेसेंट किया हुआ है मैंने क्योंकि ताकि अच्छा दिखे, दूर से भी बढ़िया लुक इनहेंस हो जाए। तो आपको जो कलर आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हो, ये सब शौक की चीज़ें हैं। और अभी मैं इसमें हज़ार्ड लाइट फ्लैशर भी लगाने वाला हूँ, उसका भी वीडियो आ जाएगा। आप कमेंट करके और एक लाइक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा होता कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।